सुनने वाले सारे भाइयों बहनों और छोटे बड़े सबको मेरी राम राम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दशा माता या होली दशे की देवरानी जेठानी वाली कहानी। कहानी शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें और घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन पहले ही आपको मिल जाए। और हाँ, एक बात और, अगर आप किसी भी तरह के जाप या पाठ की कोई भी किताब खरीदना चाहते हैं और ये आपके एरिया में आपको नहीं मिल रही है तो इसे आप मेरे अमेज़न स्टोर से खरीद सकते हैं। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां पर आपको हर तरह की जाप और पाठ की किताबें मिलेंगी। अगर आपकी पसंद की किताब स्टोर में उपलब्ध नहीं है तो प्लीज कमेंट्स में मुझे बताएं और मैं उस किताब को ढूंढकर स्टोर में आपके लिए डाल दूंगी। इसके अलावा गणगौर और नवरात्रि की पूजा के लिए किसी भी तरह का अगर कोई सामान आप खरीदना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने अलग से डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप रोज की पूजा का कोई सामान खरीदना चाहते हैं तो उसका अलग लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपके घर में शादी विवाह या दूसरा कोई फंक्शन या पूजा या समारोह है तो उसके लिए भी मैंने एक अलग से एक स्टोर बनाया है। अमेज़न पर हजारों जो चीजें अवेलेबल हैं उनमें से मैंने छांट छांट कर बहुत ही रीजनेबल और अच्छी क्वालिटी और उचित दाम वाली चीजें चुनकर मैंने आपके लिए ये लिंक तैयार किया है। तो अगर आपको इनमें से रोज की पूजा, किसी खास त्योहार की पूजा, शादी विवाह या किसी अन्य तरह के सामान की जरूरत हो तो आप उनके अलग अलग लिंक्स पर जाकर वहां से ये सामान खरीद सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं देवरानी जेठानी वाली कहानी। गणेश जी की कहानी अंत में दी गई है। बड़े प्राचीन समय की बात है, एक घर में एक जेठानी देवरानी थी। उन दोनों के ही कोई संतान नहीं थी। मेहनत करके अपना पेट पाला करती थी। मेहनत करने में ही उनका पूरा दिन गुजर जाता था, इसलिए व्रत पूजन वगैरह कुछ भी करने का उन्हें समय नहीं मिलता था। एक दिन दोनों सुबह गांव में आग लेने गईं। उस दिन पूरे गांव में दशा माता का पूजन हो रहा था, इसलिए उन्हें किसी के यहाँ से भी आग नहीं मिली। तब आग न मिलने पर जेठानी देवरानी से बोली, आज हम दोनों का भी व्रत रहेगा, शाम को आग मिलने पर ही रसोई बनाकर भोजन करेंगे। जब शाम हुई तो जेठानी पड़ोसन के यहाँ फिर से आग लेने गई। पड़ोसन ने आदर से उसे बैठाया। तब जेठानी ने उससे पूछा, ये दशा माता का जो तुम पूजन कर रहे थे उसके करने से क्या होता है? पड़ोसन ने बताया, जिस बात की इच्छा करके आप डोरा लेते हो वो इच्छा पूरी हो जाती है। जेठानी ये सुनकर पड़ोसन से बोली, अगली बार जब डोरा लेना हो तो मुझे भी बताना, मैं भी डोरा लूंगी। जेठानी जैसे ही आग लेकर घर से बाहर आई तो उसे गायें चरकर आती दिखाई दी। उनके पीछे ग्वाला आ रहा था, उसके कंधे पे एक बछड़ा था और एक गाय बछड़े को चाटते हुए चल रही थी। पड़ोसन ने ग्वाले से पूछा, तुम्हारी गाय के पहली बार प्रसव हुआ है क्या? ग्वाले ने बताया, हाँ। पड़ोसन ने फिर पूछा, गाय ने बछड़ा दिया है या बछिया? तब ग्वाला बोला, बछड़ा दिया है। तब ये सुनकर पड़ोसन ने जेठानी से कहा, घर जाकर दशा माता का डोरा ले लो, 9 दिन तक व्रत रखकर कहानी सुनना और 10वें दिन सिर सहित स्नान करके पूजन करना। दशा माता चाहेंगी तो 10 दिन के भीतर ही तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। जेठानी ने घर जाकर सारी बात देवरानी को बताई। तब दोनों ने दशा माता से मनौती मांगी, यदि हम दोनों के संतान हो गई तो हम सारी सुहागिनों को न्योता देंगे। ऐसा प्रण करके दोनों ने दशा माता का डोरा ले लिया। दशा माता की कृपा से डोरे की पूजा से पहले ही दोनों देवरानी जेठानी गर्भवती हो गईं। ठीक 9 महीने 9 दिन के बाद दोनों के यहाँ 2 लड़कों ने जन्म लिया। बालकों के नामकरण संस्कार के बाद देवरानी ने जेठानी से कहा, हमने जो सुहागिनों को न्योतने की मनौती मांगी थी अब उसे पूरा करने का समय आ गया है। तब जेठानी बोली, अभी ऐसी क्या जल्दी है, जब लड़कों का अन्नप्राशन होगा तब सुहागिनों को न्योता देंगे। कुछ समय बीत गया और लड़कों का अन्नप्राशन संस्कार भी हो गया। तब देवरानी ने जेठानी से फिर से सुहागिनों को नौतने की बात कही, लेकिन जेठानी ने इस बार भी बात को टाल दिया और बोली, अरे अभी से क्या न्योता देना, लड़कों के मुंडन संस्कार पर सुहागिनों को न्योता दे देंगे। होते होते कुछ समय बाद मुंडन संस्कार भी हो गया। देवरानी ने फिर से जेठानी को वो बात याद दिलाई। तब जेठानी बोली, अरे अब क्या, लड़कों की जब सगाई होगी तब ये काम पूरा करेंगे। कुछ साल बीत गए और लड़के बड़े भी हो गए, उनकी सगाई भी हो गई, लेकिन जेठानी ने इस बार भी सुहागिनों को नहीं न्योता। इस बार वो बोली,
जिस दिन लड़कों के फेरे होंगे उस दिन सुहागिनों को न्योता देंगे। तब देवरानी बोली, बहन जब तुम्हारी इच्छा हो तब तुम न्योता देना, लेकिन मैं तो लग्न के दिन ही सुहागिनों को न्योता दूंगी। देवरानी ने लग्न के दिन ही सुहागिनों को न्योता दिया, लेकिन जेठानी ने कोई परवाह नहीं की। लग्न के बाद मातृका पूजन करके दोनों दूल्हे बारात सजाकर बैंड बाजे सहित दुल्हनों को ब्याहने चल दिए। देवरानी के बेटे का विवाह बड़ी धूमधाम से सकुशल पूरा हो गया, लेकिन जेठानी ने सुहागिनों को न्योता नहीं दिया था, इसलिए दशा माता नाराज हो गई और ठीक फेरों के समय दूल्हे को उठाकर ले गई। दूल्हे के यूं अचानक गायब हो जाने से वर और कन्या दोनों पक्षों में हाहाकार मच गया। बारात खाली हाथ लौटकर घर आ गई, परंतु लड़की की माता बड़े संकट में पड़ गई कि अब इस अदब्याही लड़की से कौन विवाह करेगा। आस पड़ोस की चतुर सुहागिनों ने लड़की की माता को समझाया कि ब्याह का जो सामान बचा है उस सामान को लड़की के हवाले कर दिया जाए। उस सामान से लड़की रोज भिखारियों को सदाव्रत देने लगी। एक दिन एक साधु तीर्थ यात्रा करता हुआ वहां आया। गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में एक पीपल का पेड़ था। इस पीपल के पेड़ को लोग पारस पीपल कहते थे। उसी पेड़ पर दशा माता का निवास था। साधु चलता चलता शाम को उसी पेड़ के नीचे ठहर गया। झाड़ूदार ने आकर उस पेड़ के पास के मैदान में झाड़ू लगाई। भिष्टी ने मशक से वहां पे छिड़काव कर दिया और माली ने वहां फूल बिखेर दिए। तब बहुत से देवता तरह तरह की रंग बिरंगी सुंदर पोशाकें पहनकर वहां आने लगे और उस जगह पर बैठने लगे। सबसे बाद में स्वर्ग के राजा इंद्र का सिंहासन उतरा। कुछ ही देर में स्वर्ग की अप्सराएं आकर सिंहासन के चारों ओर नाचने लगी। उसी समय उस अदब्याहे दूल्हे को गोद में लेकर दशा माता पीपल के पेड़ से नीचे उतरी। इंद्र के साथ स्वर्ग से सूरा गाय भी आई थी। उसने 2 गिलास दूध दिया था। लड़के ने अपनी अदब्याही दुल्हन के भाग का 1 गिलास अलग रख दिया और दूसरे गिलास का दूध खुद पी लिया। जब तक अप्सराओं का नाच गाना होता रहा, दशा माता लड़के को गोद में लेके बैठी रही। सुबह होने पर देवताओं का दरबार भंग हुआ। साधु भी वहां से चलकर गांव में आ गया। गांव में भिक्षा मांगते मांगते साधु उस अदब्याही लड़की के घर पहुंचा। लड़की ने बड़े आदर से उसे बैठाया और भोजन तैयार किया। फिर उसने 3 पत्तल परोसकर रखी। पहली पत्तल अपने अदब्याहे पति के लिए, दूसरी पत्तल बाबा जी के सामने रखी और 1 पत्तल अपने सामने रखी। बाबा को ये देखकर कुछ हैरानी हुई। उसने कहा, यही बात मैंने रात को वहां देखी और वही बात यहाँ देखने को मिल रही है, ये क्या चक्कर है? लड़की ने पूछा, क्या बात है बाबा जी, आप किस बात पर हैरान हो रहे हैं? ऐसी क्या बात है जो आपने वहां भी देखी और यहाँ भी, मुझे भी बताइए। तब साधु बाबा ने बात टालते हुए कहा, अरे हम बैरागी लोग तो ऐसे ही कुछ भी कहते रहते हैं, तुम्हें इन बातों से क्या मतलब, तुम तो भोजन करो और भगवान का भजन करो। लेकिन लड़की ने हठ पकड़ लिया। उसने कहा, जब तक आप अपनी बात का खुलासा नहीं करेंगे और मुझे सारी बात नहीं बताएंगे मैं भोजन नहीं करूंगी। लेकिन तब भी साधु बाबा ने उसे कुछ नहीं बताया। तब लड़की बोली, बाबा आप साधु हो और मैं सती हूँ, या तो आप अपनी बात को स्पष्ट कहिए कि आपने रात में क्या देखा था, वरना मैं आपको श्राप दे दूंगी। तब साधु ने रात का सारा किस्सा कह सुनाया। ये सुनकर लड़की ने बाबा के साथ पीपल के पेड़ के पास जाने का फैसला किया। अब साधु बाबा आगे आगे चल पड़े और लड़की उनके पीछे पीछे। काफी दूर चलने के बाद जब वो पेड़ के पास पहुंचे तो लड़की को पारस पीपल के पास छोड़कर साधु बाबा वापस चले गए। लड़की वहीं छुपकर एक तरफ बैठ गई। जैसे ही शाम हुई तो रोज की तरह जमादार ने वहां झाड़ू लगाई। भिष्टी ने अपनी मशक से पानी का छिड़काव किया और माली ने सुंदर खुशबूदार फूल बिछा दिए। देवताओं के राजा इंद्र आए और अप्सरों का नाच गाना शुरू हो गया। उसी समय दशा माता पीपल के पेड़ पर से उतरकर दरबार में बैठ गई। लड़के ने सूरा गाय का दूध लिया और 1 गिलास अपनी अदब्याही दुल्हन के लिए रख दिया। जैसे ही लड़के ने दूध का गिलास मुंह से लगाया, वैसे ही पेड़ के पीछे छुपी लड़की दूसरा गिलास हाथ में लेकर वर के सामने आ गई और बोली, अपना भाग लेने के लिए मैं आ गई हूँ, मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ। तब लड़का बोला, मैं इस तरह तुमसे नहीं मिल सकता, मैं तो दशा माता की सेवा में हूँ, मुझे अभी दरबार में जाकर दशा माता की गोद में बैठना होगा। यदि तुम्हें मुझसे प्यार है तो दशा माता को प्रसन्न करो और फिर मुझे उनसे मांग लो, तब मैं तुम्हारा हो सकता हूँ।
इतना कहकर लड़के ने दूध पिया और दशा माता की गोद में जाकर बैठ गया। लड़की ने कुछ देर सोचा और फिर उसे एक तरकीब समझ आई। वहाँ जो अप्सराएं नाच गा रही थी वो भी जाकर उन्हीं के बीच मिल गई और नाचने गाने लगी। जब सुबह हुई तो दशा माता ने इस नई लड़की को बुलाकर पूछा, तुम कौन हो बेटी? तुम्हारे नाचने से मैं बहुत खुश हुई, जो मांगना है मांग लो। लड़की ने दशा माता से वचन ले लिया कि मैं जो कुछ भी मांगूंगी आपको वो मुझे देना होगा। दशा माता ने कहा, तथास्तु। तब लड़की ने दशा माता की गोद में बैठे अपने पति का हाथ पकड़कर कहा, मुझे ये चाहिए। दशा माता ने कहा, तूने तो बहुत मांग लिया, लेकिन मैं वचन दे चुकी हूँ, इस कारण मैं तेरे पति को तुझे वापस देती हूँ। राजा इंद्र ये सब देख रहे थे। उन्होंने पूछा, हे भगवती, ये सब क्या राज है? ये क्या हो रहा है? मैं इस राज को जानना चाहता हूँ। तब दशा माता ने बताया कि ये लड़का मेरे वरदान से ही प्राप्त हुआ था और इसकी माँ ने मनौती मांगी थी कि लड़का पैदा होने पर मैं सुहागिनों को न्योता दूंगी, लेकिन उसने अभी तक अपना वचन पूरा नहीं किया, इस कारण मैं इस लड़के को विवाह के मंडप से उठा लाई थी। ये लड़की इसकी अदब्याही पत्नी है और बहुत ही पतिव्रता है। पतिव्रता होने के कारण ही ये आज यहाँ देव समाज में पहुंचकर मुझसे अपना पति मांग रही है। दशा माता के ऐसे वचन सुनकर इंद्र सहित सब देवताओं ने वर वधु के ऊपर फूलों की वर्षा की। तब तक साधु बाबा भी वहां पर आ गए और दूल्हा और दुल्हन को साथ लेकर गांव की तरफ चल पड़े। जब ये तीनों गांव के पास पहुंचे तो गांव वालों ने दूल्हा दुल्हन को देखकर लड़की के पिता को सूचना दी कि तुम्हारी पुत्री एक दूल्हे के साथ आ रही है। जब लड़की वहां से चली गई थी तो उसके पिता ने बदनामी के डर से घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। गांव वालों की ये बात सुनकर उसने घर के किवाड़ बंद कर लिए। उसने सोचा, लड़की साधु बाबा के साथ आ रही होगी, इसलिए लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। जब गांव के बड़े गणमान्य व्यक्तियों ने भी वही बात कही, तब उसने घर के किवाड़ खोले और बाहर निकलकर देखा। जब उसने अपने द्वार पर सचमुच अपनी लड़की और अपने दामाद को खड़े देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लड़की के पिता ने इस खुशी के मौके पर बहुत सा दान पुण्य किया और फिर से विवाह की तैयारी की। तब लड़की ने अपनी माता से कहा कि इस तरह से विवाह नहीं होगा माँ, पहले दूल्हे की माता सुहागिनों को न्योता दे और बारात लेकर आए, तब विवाह के नेक पूरे किए जाएंगे। लड़के के घर खबर भेजी। लड़के की माँ ने पहले सुहागिनों को न्योता दिया, तब बारात वहां से चली। बड़ी धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। वर वधु दोनों अपने घर आ गए। वधु के आने की खुशी में लड़के की माता ने दोबारा से सुहागिनों को न्योता दिया। उसी समय से विवाह के दिन वर के घर पर सुहागिनों को न्योतने की प्रथा चली आ रही है। दशा माता ने जैसे उस सती की दशा बदली, वैसे ही सभी का कल्याण करे। बोल दशा माता की जय। गणेश जी की कहानी। एक बार बिंदायक जी महाराज एक चुटकी में चावल और एक चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे और कह रहे थे, कोई मेरी खीर बना दो। तब किसी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। एक बुढ़िया माई बोली, ला मैं खीर बना दूं। वो एक कटोरी लेकर आई। तब बिंदायक जी बोले, अरे बुढ़िया माई, कटोरी क्या लाई है, बड़ा सा भिगौना लाकर चढ़ा दे। तब बुढ़िया माई बोली, इतने बड़े भिगौने का क्या करेगा, कटोरा बहुत है। तब बिंदायक जी ने कहा, तू चढ़ाकर देख तो सही। बुढ़िया माई ने भिगौना चढ़ा दिया और चढ़ाते ही वो दूध से भर गया। तब बिंदायक जी बोले, मैं जरा बाहर जाकर आता हूँ, तू खीर बनाकर रखियो। खीर बनकर तैयार हो गई और बिंदायक जी आए नहीं तो बुढ़िया माई का मन ललचा गया और वो किवाड़ के पीछे बैठकर खीर खाने लगी और बोली, लो बिंदायक जी महाराज, भोग लगाओ, और इतना कहकर खीर खाने लगी। तभी बिंदायक जी आए और बोले, बुढ़िया माई, खीर बन गई क्या? तो बुढ़िया बोली, हाँ बन गई, आ जीम ले। तब बिंदायक जी बोले, मैं तो जीम लिया जब तू खाने बैठी और तूने भोग लगाया, मैं तो तभी जीम लिया था। तब बुढ़िया माई बोली, हे महाराज, तुमने मेरा तो पर्दाफाश कर दिया, लेकिन किसी और का पर्दाफाश मत करना। तब बिंदायक जी ने उसके घर में अनधन का अटूट भंडार कर दिया। हे बिंदायक जी महाराज, जैसा उस बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना, कहते सुनते हुकारा भरते अपने सारे परिवार को देना, हमें भी देना।